हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाद का चस्का। आज हम और आप मिलकर बनाएंगे अप्पे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप सूजी, उसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप दही। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप पानी और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला दिया। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो बैटर को ढके हुए पूरा 1/2 घंटा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, लेकिन इसके पहले हम इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो मैंने लिया 1/4 कप गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, यहाँ मैंने लिया 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और 1/4 कप पानी। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये सबको हम अच्छे से मिला देंगे। बस इससे हमें इतना ही रखना है। चलिए हम फटाफट इसका अप्पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अप्पे पैन को गरम कर लिया। उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा तेल भी डाला। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा राई सभी में। और मैं सभी में डाल दूंगी 1 करी पत्ता। हमें इसमें डाल दूंगी 1-1 करके ये गोल। तो हमें 1-1 चम्मच का ही गोल इसमें इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर सभी को डाल दिया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। हमें इसे इस तरह से पलट देना है। तो अब मैंने इन सबको पलट दिया। इसे खुला में हम 1 मिनट और पका लेंगे। इसे हम अभी ढकना नहीं है, इसे हम खुले में 1 मिनट और पका लेंगे। तो ये अप्पे बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं 1 प्लेट में निकाल दूंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।